लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और लोकसभा चुनावों में ठोस रणनीति बनाकर चारों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसी के चलते हमीरपुर जिला भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, रणधीर शर्मा, प्रवीण शर्मा, विजय अग्निहोत्री मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी तैयार हो रही है और इसी के चलते कार्यकर्ताओं की बैठक कर सुझाव लिए जा रहे हैं और सुझावों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि हर जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ, कार्य समिति के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे। आज उस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मुख्य मकसद यही है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं से बैठ करके रणनीति तैयार की जाए, उनके सुझाव लिए जाए। तो आज जिला भाजपा की मीटिंग हुई है, उसमें अनेकों सुझाव आए हैं और उन सुझावों को हम लोग प्रदेश में चर्चा करेंगे और आगे का कार्यक्रम लोकसभा तक का बनाएंगे, ताकि लोकसभा के चुनावों में हम चारों की चारों सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने में हिमाचल प्रदेश अहम भूमिका अदा करे। कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू के राफेल मुद्दे पर दिए गए बयान पर सत्ती ने कहा कि राफेल के पूरे तथ्य बीजेपी सरकार के पास हैं, लेकिन कांग्रेस बिना वजह से मुद्दा बना रही है। सत्ती ने कहा कि राफेल के ऊपर केंद्रीय नेताओं ने खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन राहुल गांधी डर के मारे उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारी या राष्ट्रीय हमारे मंत्री इसमें वैसे बहुत सी तथ्यों को लेकर के जनता के सामने आ रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी जो हमारे केंद्रीय नेताओं ने राफेल के ऊपर राहुल गांधी जी को चुनौती दी है कि वो टीवी के ऊपर बहस करें और हम भी तथ्यों के साथ आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएं या लोकसभा के अंदर आएं, तो उनको उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के बाद ध्यान में आ जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है।